आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी, सुझाव एवं इलाज जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल पेश कर रहा है मेरा डॉक्टर, मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे, देखना मत भूलिए मेरा डॉक्टर। कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, भतीजा। नमस्कार, स्वागत आपका चाचा भतीजे में। आप सभी सम्माननीय दर्शकों को आज महाराष्ट्र दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। चाचा आ गए समाचारों पे फटके लगाने। चाचा को देते हैं आज के समाचार जिन पे वो लगाएंगे फटके। चाचा आज का पहला समाचार ऐसा है बेटा, ऐसा है एक, 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 हाँ। एक बच्चे का, हाँ जरा गुणगान कर लूँ इसलिए, हाँ। कि कल मैं जवाहर गेट से बाहर निकला, हाँ। और वो बच्चा साइकिल पे मेरे को जवाहर गेट से क्रॉस हुआ, हाँ। नगर सेवक, बेलपुरा के नगर सेवक, हाँ, हाँ, हाँ। चोरे इनका लड़का था वो बच्चा, आगे चले गया, फिर लौट के पीछे आया, हाँ। मेरे को देख के बोलते, हाँ। चाचा राम राम। मैं राम राम, राम राम मैंने बोला। आप अशोक भाई जोशी है ना? हाँ यार हूँ तो सही, आपके कार्यक्रम में देखता हूँ, बोले हाँ। बड़ी मजा आती, सारा घर सब मिलके साथ में देखते, हाँ हाँ। गली मोहल्ले के भी सब देखते, चर्चा करते, हमको आपके तीनों के मजा बहुत आनंद। धन्यवाद बेटा, आशीर्वाद के सिवा आपको क्या दे सकते, आभार। यस, चाचा से लेते हैं आज के समाचारों में फटका। पहला समाचार ये है, हाँ। कि चाचा कल रात में आई बारिश की वजह से रंग में भंग नहीं हुआ कार्यक्रम, अबे रात्री 12 वाजता तू कुठे फिरून राहिला, ओला होत गेला, अरे हाओ नाही मी दुसरा काम, ते शासकीय कार्यक्रम होता की नाही, मंडप पंडप लावले, सोफे लावले, पाऊस आला लेका, तर याचा बद्दल मला असं म्हणायचं आहे की बेटा रंग में भंग का कारण, हाँ काय कारण, कुदरती नाराजी है। हमारे महाराष्ट्र में जहाँ अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ, ऐसे महापुरुषों की जन्मभूमि महाराष्ट्र में नित नवीन होने वाले घोटाले, ये हमारे दैवत के नाराजी का कारण नहीं है, खरी गोष्ट है। शिवाजी शिक्षण संस्था में आज महाराष्ट्र दिन के ऊपर एक कार्यक्रम था जिसमें अमरावती के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल शिरकत करने पहुंचे थे। संस्था के अध्यक्ष शेड़के जी ने अपनी कुर्सी उनको ऑफर की थी कि आप इस पे बैठिए, लेकिन पालक मंत्री ने बड़े नम्रता पूर्वक उस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा ये आपकी कुर्सी है, आप ही बैठिए। क्या बात है, आदरणीय पालक मंत्री जी, ये आपके उच्च संस्कारों का द्योतक है, बिल्कुल, वरना हमारे मनपा में हमारे महापौर जी ने हमारी एक स्नेही भगिनी को कुर्सी ऑफर की और हमारी भगिनी उस पर विराजमान हुई। क्या बात, आज है महाराष्ट्र दिन, बिल्कुल, मनपा में था कार्यक्रम लेकिन 81 में से सिर्फ 4 ही नगर सेवक पहुंचे। अरे महाराष्ट्र दिवसाच्या निमित्त आहे आले नाही, ते स्वर्ण जयंती, मारा बाप फटका आता बेटा, मनपा का माल ज्यादा खाने से रात को डिसेंट्री लग गई थी। क्या बात चाचा, अगला समाचार ये है कि महानगर पालिका के कार्यक्रम में महापौर जी खुद 20 मिनट देरी से पहुंचे। 20 मिनट, अमरावती का प्रथम नागरिक हो, महाराष्ट्र दिन के कार्यक्रम में लेट, उशिरा आले बेटा, शायद उसको भी डिसेंट्री लग गई हो। क्या बात चाचा, अगला समाचार भी मनपा से ही है कि मनपा में इस सारे लेट लतीफी के बाद बारी आती है आयुक्त जी की, तो मनपा के इस कार्यक्रम में मनपा आयुक्त तो गैर हाजिरी थे। अरे इसको बोलते हैं बदली के संकेत वाला महाराष्ट्र प्रेम। क्या बात चाचा, आज महाराष्ट्र दिन पर शिवाजी शिक्षण संस्था में कार्यक्रम शुरू था, हाँ। लेकिन जनता ने एक
एक सीन एक न्यूज़ उसमें से भी ढूंढ ली। जनता अपना काम बराबर बराबर करती है बिल्कुल करती है। देखने वाले देखते हैं, कयामत की नजर रखते हैं। बिल्कुल जनता ने ली नोंद राव साहब शेखावत और पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख की मुलाकात की। दोनों दूर दूर थे लेकिन दूर दूर रहे, एक मंच तो था जहाँ दोनों साथ में। दोनों साथ चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात, तुम इस गली के मैं उस गली, लला लला। क्या बात। तो बेटा बात इसमें ऐसी है कि राजनीति खरी है, राजनीति का उसूल है कि हरदम हंसते हुए गले मिलो, पीछे हाथ में छुरा तैयार रखो और वक्त पड़ने पे चलाने से चुको भी मत। क्या बात। चाचा अगला समाचार ये है कि गर्मी अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। आज 1 मई है, शहर का पारा शायद लगभग 42 से 43 के आसपास खेल रहा है। अब ऐसी हालत में मरीजों की हाल क्या होंगे अगर कूलर भी बंद हो गया। खबर है इरविन अस्पताल की कि वहां के कूलर बंद, मरीजों की हालत अरे बाप बेहाल। चलो एवढा उन्नीस कूलर बंद मन जाता तुम्हें सांगा था। चलो एक बहुत अच्छी सलाह दे देता हूँ, सांगा। और आज एक पदवीदान समारंभ भी कर लेता हूँ। हाँ महाराष्ट्र दिन है। हाँ महाराष्ट्र दिन के अवसर पर आदरणीय राणा जी आपको मैं पदवी देता हूँ दयालु की। क्या बात है। दयालु दयालु कशी। तो दयालु जी इरविन में एसी वीसी लगवा के पुण्य कमा लो ना। क्या बात। चाचा अगला समाचार है कि वकीलों की सेवा कर पे। हाँ वकीलों को अब सेवा कर की जो उनकी प्रक्रिया थी उस पे रोक लग गई। मारा पटका लगेंगी ना भाई, कानून के महारथियों से कौन पंगा लेगा। क्या बात। चाचा अगली खबर बड़ी दुखद है। कल की सुर्खी बनी थी ये खबर के गाड़गे नगर के यशवंत सावंत की पत्नी हाँ अनिता सावंत की लाश मिली भीमकुंड के खाई से, जिसे 18 दिन पहले पति ने ही ढकला था खाई में। सांगा चिकलदारत नेऊन ढकललं। अरे बापा। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। अरे देखिए किस भावना से स्त्री अपने ससुराल में आती है और उनके हृदय पर कैसा कुठाराघात किया जाता है, इसका ज्वलंत प्रमाण है। ऐसे काम करने वाले लोगों को समाज किस दृष्टि से देखेगा। क्या बात। चाचा अगला समाचार है कि विदर्भ अलग विदर्भ मांग तेज होने लगी। विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने अलग विदर्भ के लिए धरना आंदोलन किया। कुठे गेला माहिती आहे? कुठे? इरविनवर। इरविनवर आताच घेऊन आलो मी न्यूज। बाप्पा बाप्पा बाप्पा। क्यों अनिल भाऊ, ये विदर्भ का तुंतु ना खाली समय का वाद्य है क्या? क्या बात। ओ जी चाचा अगला समाचार बड़ा मस्त है कि नए दूल्हा दुल्हन यानी शाही दूल्हा दुल्हन विलियम और कैट का 90 करोड़ का हुआ बीमा। अरे बॉब। क्यों भाई, प्रिंस चार्ल्स और महारानी डायना को भूल गए थे क्या? क्या बात। चाचा अगला समाचार है कि भारत संचार निगम के लिए अब शिकायत करने के लिए 15/5/2011 तक के आपकी शिकायतें आमंत्रित हैं। वो अदालत अदालत लगती है। बराबर है बेटा, अदालत के जो मुद्दे हैं ना हाँ इन मुद्दों पे शिकायत कभी आती ही नहीं, इसलिए वो मुद्दे सामने रखते हैं और जिन मुद्दों पे शिकायत आती वो मुद्दे लेते ही नहीं। ये बात। चाचा अगला समाचार ये है कि 100 से ज्यादा अधिकारी देख रहे हैं रा बदली की और मलाईदार पोस्ट की। इमें मारो सुन लो भी है कहीं। सोना मेरा यार सोना वे लगदा कमाल सोना वे। चाचा अगला समाचार ये है कि गए थे मैच देखने लेकिन फंस गए टैक्स के फंदे में। मारा था। अबे मनुन तो मैं गेलो नहीं। क्या बात। ओ चाचा अगला समाचार ये है कि विदर्भ पर अन्याय के खिलाफ में दिनेश बूब की रैली। रैली दिनेश भाऊ। हाँ रैली निकालो करेला
कुछ हासिल नहीं होने वाला। अरे छुरा खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरे पे, नुकसान तो खरबूजे का ही है। ये बात चाचा समाज की बड़ी विडंबना है, सरकार की कई नीतियां हैं, सरकार की कई योजनाएं हैं, लेकिन बाल मजदूरी है कि थमने का नाम नहीं लेती। समाज में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं समाज भी इसके जिम्मेदार हैं। एक अखबार में फोटो छपा है, एक बालक, एक बाल मजदूर का मजदूरी करता चित्र, बड़ा दुख देने वाला ये चित्र है। खरी बोलते हैं भैया, ये शासन है, खाने के और दिखाने के और होते हैं। क्या बात चाचा, अब समाचार ये है कि जिन्हें अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी थी, अशोक राव जी चौहान माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री, इन्होंने लिए थे बरवे से 65 लाख रुपए उधार और दिलाया था अपने सासू को फ्लैट। क्या बात, इसको बोलते हैं ससुराल का प्रेम। अशोक भाओ, रुपए जरूर लौटाना भाई उस गरीब के। क्या बात चाचा, अलग विदर्भ के लिए विदर्भ वीर जामुनराव धोटे का धरना आंदोलन, कमाल ले लिया था। जामुनराव जी तू भी लड़ा, आमी घरत बसतो। क्या बात चाचा, पुलिस एकेडमी, पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कोल्हापुर पुलिस एकेडमी में 11 महिला पुलिस कर्मियों का हुआ शोषण और 11 महिलाएं निकली थी गर्भवती। अब उस जांच टीम का एक दल पहुंचा है नागपुर। पायजा बावा, आपले अमरावतीत नहीं आला पाहिजे। क्या बात। और चाचा समाचार ये है कि शाही शादी को तो लोगों ने टीवी बॉक्स के सामने बैठ के देख लिया, लेकिन अब ये शाही जोड़ा यानी विलियम्स और कैट आखिर हनीमून के लिए गए कहां, ये एक रहस्य है। हरा भटका, अबे पगलो, हनीमून में जो कुछ किया जाता है क्या वो जाहिर में हो सकता है? क्या बात। ओ चाचा, मैं लेके आया हूँ खबर अगली, मैं खुद गया था कलेक्टर ऑफिस पे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने किया है आंदोलन, धरना आंदोलन, धरना आंदोलन, वो पानी वालों ने। इसे कहते हैं पानी वाले पानी में बैठे। क्या बात चाचा, अगला समाचार ये है कि विदर्भ के समाचारों को दिलाएंगे न्याय विलास मराठे। अपने विलास भाऊ मराठे हिंदुस्तान वाले, बिल्कुल। और कहा हो विलास भाऊ, समाचार पत्रों को दे लेंगे और समाचार पत्रों के संवाददाता को। क्या बात। ओ जी, ये था हमारा चाचा और ये थे आज के समाचार, जिसमें हमारे चाचा ने लगाए बढ़िया बढ़िया फटके। चाचा समाचारों में फटके लगाते रहेगा और चाची से घर पे जाके फटके खाते भी रहेगा, खाते रहेंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, आप भेजिए इन नंबरों पे SMS अपने अपने नाम और पते के साथ में। लेंगे यहीं पे आपसे इजाजत, मिलते हैं कल के एपिसोड में, धन्यवाद। भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा।